हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी ये टॉपिक देखा था। ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो कंपाउंड्स देखे थे उसमें दो पार्ट्स देखे थे, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव कंपाउंड में क्या होता था कि जो प्लेन पोलराइज लाइट था, जो प्लेन में अपन उसको देखते थे वो रोटेट होता था, बराबर है, ये देखते थे। और ऑप्टिकली इनएक्टिव में वो रोटेट नहीं होते थे, जैसे कि वैसे मिलते थे, इट मीन दैट परपेंडिकुलर ही मिलते थे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता था। ठीक है, अब आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो भैया ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म ये होता क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट मीन्स दैट क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो आपकी डेफिनेशन देखते हैं इसके। एंड आइसोमेरिक कंपाउंड विच हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये तो होगी भाई उसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? एन आइसोमेरिक कंपाउंड विच हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो अपन ने देखी थी उसमें क्या था? एक तो रोटेट होती थी ना, कौन से साइड में होती थी? राइट लेफ्ट, बराबर है। लाइट में जो होती थी उसको कुछ तो भी बोलते थे, लेफ्ट में तरफ होती थी उसको भी कुछ तो भी बोलते थे, कल के मतलब प्रीवियस वीडियो में अपने देख लिया है। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये डिफरेंट एक्टिविटी होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो डिफरेंट मतलब क्या? डिफरेंट मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट। जब भी कोई चीज अपन मिरर के सामने अगर देखते हैं तो वो क्या होती है? वो जो क्या होती है उसी के समान दिखती है, लेकिन थोड़ा सा साइड क्या कर देती है, चेंज करा देती है, उसको बोलते हैं अपन डिफरेंट। तो डिफरेंट में एक चीज ध्यान में रखना, अगर डिफरेंट वर्ड आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट, ये वर्ड ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन, तो ये जो फिनोमिना है कब होता है? जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी सॉल्यूशन से अपन पास करते हैं तो उसका क्या होता है? ऑप्टिकल आपको इमेजेस मिलता है जिसको अपन प्लेन पोलराइज लाइट से अपन ऑब्टेन करते हैं, और वो रोटेट होती रहती है, तो वही जो एक्टिविटी आपको मिलती है वो जो डिफरेंट होती है, रोटेट होने के कारण क्या होगी? डिफरेंट। तो अपन मान के चलो उसको अपन ने प्लेन के सामने पकड़ लिया, फिर मिरर के सामने पकड़ लिया, तो वो डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट मतलब क्या? इक्वल एंड अपोजिट। पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ पे आइसोमेरिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिक कंपाउंड का मतलब ये होता है दे आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये चीज ध्यान में रखना, और उसमें ये फिनोमेना आपको देखने मिलता है। अब ये जो पहला रिकॉग्नाइज मॉडल किया, फिर जो अपने को बताया, ये एक पहले साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पास्चर, और पास्चर का नाम था लुईज पास्चर। ठीक है, लुईज पास्चर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? अपना 3D मॉडल, कौन सा मॉडल? 3D मॉडल से आपको ये कंसेप्ट रिकॉग्नाइज किया था, आपको बताया था। ठीक है, तो बस इसमें बस इतनी डेफिनेशन ही ध्यान में रखना और इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है अपना है एनांशियोमर है। अब एनांशियोमर क्या होता है आपका? ठीक है, अभी जो लुईज पास्चर ने 3D मॉडल दे दिया था अपने को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ये तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट भी था, ये वाला जो था ना लुईज पास्चर, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। इसके बाद जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट कौन सा है? एनांशियोमर। अब इसमें देखो एनान, ENAN, एनांशियो, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सिमिलर और सेम। ठीक है, सिमिलर और सेम, और ये जो है अपना कौन सा? मर। अब मर का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब एनांशियोमर्स का मतलब क्या होता है? कि एनांशियो का मतलब होता है सिमिलर और सेम, और मर्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो सिमिलर हो, बराबर। उसकी डेफिनेशन क्या लिखी मैंने? ऑप्टिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है पता है? चीज जो अपन मिरर के सामने उसको देखते हैं और उसमें कुछ अपने को चेंजेस दिखता है, मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर में चेंज होता है, पर उसको बोलते थे नॉन सुपर इम्पोजेबल, याद ही है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखा था अपन ने जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, बराबर ना। तो आप वही वही देखना, क्योंकि उसी का सहारा लेके ये टॉपिक आगे से
आपको पता चलेंगे विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल आ गया। क्यों नॉन सुपर इम्पोजिबल? क्योंकि उसको अपन किसके सामने पकड़ते थे? यस मिरर इमेज, क्योंकि वो मिरर से क्या मिलती थी अपने को? इमेज। तो मिरर के सामने जो अपन ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, अपन लाइट जो उसके ऊपर जाती है उसकी इमेज अगर मिरर के अंदर में अपन देखते थे, जैसे अपने दो हैंड का एग्जाम्पल लिया था, अगर उसमें कुछ थोड़े बहुत अगर बदलाव होते तो अपन उसको बोलते थे नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी ना, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन एनांशियोमर। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसका। ठीक है, और जो है फिर से देखो, ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर इज कॉल्ड एनांशियोमर। एनांशियोमर का ही दूसरा नाम है बेटा एनांशियोमॉर्फ। मॉर्फ का मतलब भी होता है स्ट्रक्चर, उसके तीन नाम अलग अलग है, एनांशियोमर, एनांशियोमॉर एंड ऑप्टिकल एंटीपॉड्स। ऑप्टिकल एंटीपॉड्स, फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, चलो एग्जांपल के मान के चलो, मैंने दो लेटर ले लिए, एक जे ले लिया और एक बी ले लिया। ठीक है, अगर मैंने इसको मिरर के सामने अगर पकड़ लिया, ठीक है, अब मिरर के अंदर में इसकी क्या मिलेगी मुझे? इमेज। तो जो जे दिख रहा है मुझे वो इस प्रकार दिखेगा और जो बी है वो इस प्रकार दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? सिमिलर ही है ना, बट थोड़ा बहुत क्या है उसमें चेंजेस, क्योंकि आपको अपोजिट मिल रहा है। अब इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं एनांशियोमर, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है। चलो इससे रिलेटेड और दो पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल तो अपन ने देख लिया कि वो इक्वली मिलेगा मिरर के अपोजिट में, तो वो होगा आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे कि मैंने लिखा हैविंग आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? आइडेंटिकल होती है, सिमिलर होती है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है उसमें बदलाव होता है। साथ में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड जो है ना जो सेम होगा, लेकिन उसकी साइन जो थी वो क्या रहती है? अपोजिट रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत क्या दिखता है? बदलाव। जैसे अपने इमेज देखी थी जे यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, मतलब साइन क्या रहेगी भैया उसकी? अपोजिट रहेगी, मतलब थोड़ी अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। साथ में अगर एक तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इक्विमोलर मिक्सचर, अगर मान के चलो दोनों कोई एनांशियोमर है और उनके दोनों के मैंने इक्विमोलर अमाउंट अगर लिया, अगर वो इक्विमोलर अमाउंट अगर बनाता है, फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे मैंने ये जे लिया था और बी लिया था ये, तो इसका अगर मैं वन मोल सब्सटेंस लेता हूँ और इसका भी वन मोल सब्सटेंस लेता हूँ, और दोनों को अगर मैं जोड़ के जो कुछ भी नया एनहांशियोमर बनाता हूँ, तो वो जो सब्सटेंस होगा, जो मिक्सचर बनेगा, वो इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा। कौन सा मिक्सचर बनेगा? इक्विमोलर मिक्सचर। किसका? एनांशियोमर का। अगर एनांशियोमर का मैं इक्विमोलर मिक्सचर लेता हूं, तो वो मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिमिक मिक्सचर, एंड इट इज डिनोटेड एज, एक तो इसको स्मॉल डीएल बोला जाता है और प्लस माइनस साइन से उसको इंडिकेट किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, रेसिमिक मिक्सचर है जो एनांशियोमर का होगा, जो इक्विमोलर मिक्सचर होगा वो एक तो डीएल से उसको शोन अप होता है, डीएल साइन से, और प्लस माइनस साइन से उसको इंडिकेट करते। ज़्यादा कुछ टेंशन लेना है क्योंकि आपकी किताब में थोड़ा सा पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक में बहुत घुमा फिरा के दिया है, मेन मेन मैंने आपको नोट्स वाइज निकाल के दिया है, अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो है आपका कौन सा, फ्यूचर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब वो आप 11th में पढ़ चुके हो, 14 नंबर के चैप्टर में। फ्यूचर प्रोजेक्शन फार्मूला को अपन क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो भी आपका कायरल कार्बन एटम होगा वो किसी अगर प्लेन में रहता है तो चारों साइड में देखो यहाँ पे अगर ये ऐसा बॉन्डिंग होती है ना, चारों बॉन्ड अटैच है, बीच में अगर क्या है कायरल कार्बन एटम है, तो वो बॉन्ड में क्या होते हैं? ये अटैचमेंट होते हैं। ठीक है ना, कोई अटैचमेंट होगा, जैसे Cl है, Br है, हाइड्रोजन है और आय, मतलब ये अलग अलग प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में अटैच रहेंगे। आप पढ़ चुके हो, नहीं भी आप पढ़ा होगा, थोड़ा सा वहाँ पे और लुक कर लेना, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। तो उसमें क्या होता है, जो दो बॉन्ड होते हैं प्लेन के अबव होते हैं और दो बॉन्ड प्लेन के बिलो होते हैं। अब जो बॉन्ड प्लेन के अबव होते हैं, सॉरी प्लेन के बिलो होते हैं, उसको अपन डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये चीज़ पता है आपको? जो बॉन्ड्स बिलो द प्लेन, एक मान के चलो कोई प्लेन है, प्लेन के सेंटर में अपन कायरल कार्बन एटम प्लेस करें, तो उसके ऊपर मतलब बिलो, मतलब जो भी सेंटर है अपना कायरल कार्बन एटम है, उसके बिलो में जो बॉन्ड बनेंगे उसको अपन डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जो अबव बॉन्ड्स होते हैं
उसको अपन स्ट्रेट लाइट से दिखाते हैं, मतलब डार्क लाइन से दिखाते हैं। ये चीज पता है आपको, सेम टू सेम है। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखो सेम टू सेम लिखा है और जो बॉन्ड्स होते हैं बिलो होते हैं और अबव होते हैं, बराबर है ना। तो उसको अगर अबव है तो डार्क लाइन और बिलो है तो डॉटेड लाइन। ये था आपका कन्वेंशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस का, समझ में आया। इसके बाद में है एक वेज फॉर्मूला। अब एक नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है वेज फॉर्मूला, ठीक है। वेज फॉर्मूला, तो वेज फॉर्मूला में क्या होता है, जो भी आपका कायरल कार्बन एटम है तो वो अपने सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बनाता है। मान के चलो किसी भी अपन ने प्लेन ऑफ पेपर पे अगर कायरल कार्बन एटम के अराउंडिंग में अगर बॉन्ड बनाना देखा है, तो वेज फॉर्मूला आपका क्या शो करता है कि जब आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्बन है, मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मान के चलो आपका पेपर है, तो ये सेंटर कार्बन मतलब आपका कायरल कार्बन एटम रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, दो कार्बन एटम जो है मतलब दो जो बॉन्ड है जो कार्बन को अटैच रहेंगे वो प्लेन पे ही रहेंगे, ऑन द पेपर रहेंगे, जिसको अपन ने सिर्फ लाइन से शोन अप करते हैं, ठीक है ना। मान के चलो ये कोई यहाँ पे भी कोई अटैच है और यहाँ पे भी कोई अटैच है, तो वो ऑन द प्लेन ही रहेंगे, मतलब प्लेन के ऊपर ही रहेंगे। लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे है कि जो अबव, मतलब ये देखो अगर ऐसे अबव होते हैं, मतलब ये जो कार्बन है ना, अगर ये कार्बन है तो इसके ऊपर बनेंगे, ऐसे ऊपर बनेंगे, तो उसको बोलते हैं अबव, बराबर है ना। तो उसको अपन शोन अप करते हैं डार्क लाइन से। और कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो बिलो बिलो बनते हैं, है ना, पेपर के जो है वो बिलो बनते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, ऐसे डॉटेड लाइन से शोन अप करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया, चलो एग्जांपल से क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक दिखाया, यहाँ पे BR और CL ये जो है, ये देखो दोनों लाइन से शोन, मतलब ये ऑन द पेपर है, बराबर है, मतलब प्लेन के ऊपर ही है, मतलब प्लेन के साथ में भी है। तो ये जो है मैंने एक यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट बनाया ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे चार बॉन्ड है तो दो बॉन्ड इन द प्लेन रहेंगे, प्लेन के इन में ही रहेंगे, और उसको लाइन से शोन अप करता था। ये कौन से लाइन से शोन हो रहा है, मतलब ये क्या रहेंगे अपने, इन द प्लेन, ठीक है, इन द प्लेन जो लाइन से शोन अप होगा। चलो ये जो डार्क लाइन है, तो मैंने बोला है वन बॉन्ड जो अबव द प्लेन, मतलब ये जो है ये क्या रहेगा आपका, अबव द प्लेन, जो अबव मतलब प्लेन के ऊपर से बनेगा ना ऐसा कुछ ऊपर में, तो वो अपन डार्क लाइन से शोन अप होता है। तो यहाँ पे H जो दिख रहा हो डार्क लाइन से, ये अबव द प्लेन, और एक जो बॉन्ड रहेगा वो बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे रहेगा, तो अपन डॉटेड लाइन से, बिलो द प्लेन है तो वो डॉटेड, मतलब ये जो दिख रहा है आपको ये रहेगा आपका बिलो द, डॉटेड लाइन वाला जो है ये रहेगा बिलो द प्लेन, समझ में आया। तो ये जो था आपका आज का टॉपिक था, तो आई होप कि आपको समझा होगा। अब ये जो लास्ट के दो पॉइंट है ना, वेज फॉर्मूला और फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम क्रॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो 11th में है। यहाँ पे थोड़ा नहीं समझा तो डिटेल्स में आपका 11th में हुआ है 14 नंबर के लेसन में, वहाँ पे उसको पढ़ लेना, वो आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे आगे का टॉपिक।